राधे कृष्णा, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। तो आज मैं पहले सीधे सीधे नहा के आ चुकी हूँ। काम वाम तो मेरा जाने कब निपट गया था, और जल्दी भी जगी थी आज उठ करके। अब पूछो क्यों, क्योंकि आज मेरी किटी है इसलिए। तो इसकी वजह से मैं जल्दी उठ गई थी। हंसी इस बात के लिए आ रही, अपने कामों के लिए मैं जल्दी से उठ जाती ना, इसलिए मुझे हंसी आ रही। तो यहाँ पर चाय बना रही हूँ, बगल में बनाऊँगी मैं चने फ्राई करूँगी, और चने और पराठे। तो चने पराठे का मेरा एक बहुत पुराना रिश्ता है, तो बताऊंगी किसी टाइम में। और क्योंकि ये जो चना पराठा है मैं अगली ब्लॉग में बताऊंगी, इसमें नहीं लेकिन अगली में। आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तो अभी मैं चने पराठे बनाऊंगी और आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। क्योंकि ये तो यहाँ हमने थोड़ा सा जीरा और मिर्च डाल दिया हुआ था, लगा रहे हैं। और उस समय तो सुबह का जो टाइम है, तो मतलब एक घंटे पहले बारिश हो गई, ख़त्म हो गई है। और बस थोड़ा सा मौसम वैसे ही है, हाँ और ना वाला, कि बारिश कभी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो हमने यहाँ पर तड़के में डाल दिए हैं चने। चने डालने के बाद इनको थोड़ा सा चला लेंगे, और चलाने के बाद चने पराठे का जो नाश्ता होता है, अच्छा मतलब हैवी नाश्ता होता है, बहुत हेल्दी होता है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है स्वादानुसार नमक और एक टमाटर डाल दिया। डालने के बाद थोड़ा सा पकने देंगे इसको, और थोड़ा सा पकने के बाद इसमें डालेंगे पानी। वो पानी इसलिए डालेंगे क्योंकि जो भीगे हुए चने हैं, अगर आप इन्हें थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, बस इतना ही डालना है, बाकी कुछ नहीं डालना है। और इसके साथ साथ में जब आप ये इतने बिल्कुल थोड़े थोड़े से स्पाइसेस डाल देते हैं, होता क्या है, फिर आपका ये जो लंच, मतलब कि जो ब्रेकफास्ट होता है, वो ब्रेकफास्ट ना लंच में बदल जाता है। तो यहाँ पर हमने आधा कप पानी डाल दिया। आधा कप पानी इसलिए डाला हुआ है क्योंकि पानी डालने से चने थोड़ा सा अच्छे से पक जाएंगे, गले में फंसेंगे नहीं। तो जो लोग इस टाइप से अगर डायरेक्ट चने ऐसे फ्राई करके खाते हैं, तो आप लोग को ये लगता होगा कि गले में फंस रहा है। अगर आप हल्का सा पानी डाल देते हैं तो चने बहुत अच्छे से पक जाते हैं। तो यहाँ पर ये मेरी चाय रखी है, ये हस्बैंड की चाय रखी है, जा करके देख के आऊँगी, फिर तैयार हो जाऊँगी, नहीं तो मुझे बहुत लेट हो गया है। तो आज मैं फिर से वही ऑर्गेन्जा साड़ी पहनी हूँ, और जो एक और मेरे पास साड़ी है, मुझे बेबी पिंक पहनना था, तो उसका जो ब्लाउज था वो रेडी नहीं था, तो फिर नहीं पहनी, मैं यही पहन ली। तो इसके साथ में ये देखिए, तो यहाँ पर मैं निकल गई, और उसके साथ साथ देखो थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, अभी थोड़ा सूख गया है क्योंकि मौसम ही थोड़ा धूप वाला छांव वाला कुछ इस टाइप का है, तो फिर समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पर फिर कुहू के पापा हमको ले करके जा रहे हैं, क्योंकि आज मेरी किटी है। तो बस हम लोग जा रहे थे, तो और मौसम अच्छा भी है, और थोड़ा सा आगे जैसे ही बढ़े, ये सत्यदेव पचौरी का जी ये घर है जो वाइट कलर का है, और मेरे बाएं और दाएं दोनों का ऑफिस भी है सामने, और इधर घर भी, मतलब वो भी घर ही है। तो चलो, तो यहाँ पर चलते हैं, आगे चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल इस जगह पर थी तब, एक दो से थोड़ी थोड़ी सी फवारे टाइप की बूंदें चालू होने लगी। और इस समय जब मैं आप लोगों को वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो बारिश तो इस समय भी हो रही है, और आप लोगों का आवाज़ आ रही होगी। तो यहाँ पर फिर चलेंगे, चलते 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 कि यहाँ पर चले जा रहे हैं। और यहाँ पर तो पता है, यहाँ पर हल्की हल्की सी बारिश पड़ रही थी, वो मतलब फवारे टाइप वाली थी, तो आप लोगों को नहीं दिखा रही। तो चलिए मैं पहुँच गई, और जब मैं पहुँची तो पता है मैं काफ़ी लेट हो गई थी, यहाँ पर पैसों की काउंटिंग चालू हो गई थी। दूसरी बात ये थी कि एक किटी जो है वो आज ख़त्म होगी, दूसरी आज ही, और नई किटी जो है आज उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी, और आज जो थीम था वो पिंक था, तो बस सब लोग पिंक 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 थे, लेकिन आज सब लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं, रियली सच में सब लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं। दीदी पैसे गिन रही है, तो ये मेरी दीदी है। तो इसके बाद सब लोग बैठे हुए हैं, और अभी एक दो लोग आने को थे, बाकी मैं खुद ही लेट हो गई थी, ऐसा नहीं है। और वैसे सच बताऊँ, और एक भाभी का बर्थडे है, जो कि हम लोग, आप लोग जानते हैं कि हम लोग जिसका बर्थडे होता है जिस मंथ, वो मनाते ज़रूर, हर महीने किसी ना किसी का पड़ जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए सब लोग, तो ये जो भाभी बैठी हुई हैं, इनका बर्थडे है। तो चलो यार, पहले पैसों की काउंटिंग हो जाए, तो मैंने सोचा ये देखिए तो पता है,
मैं बाल कटवाए ना, दीदी बोली खुले करके आती, थोड़ा थोड़ा सा बारिश हो रही ना, तो बाल थोड़े से गीले गीले से हो गए थे, तो बिल्कुल चिपके चिपके से लगने लगे थे। हाँ, तो यहाँ पर बस कुछ हंसी मजाक चल रहे थे। तो ये जो भाभी बैठे, इनके जो बड़े झुमके पहने, इन्हीं का भाभी का बर्थडे है। तो इनको भाभी को आप लोगों ने बहुत टाइम बहुत बारी देखा होगा। तो चलिए, यहाँ पर तो मोस्टली सभी भाभियाँ लोग हैं, तो यहाँ पर सबके पैसों की काउंटिंग हो रही थी, क्योंकि पिछली किटी जो लास्ट वाली किटी, मतलब पहली किटी की जो थी, वो पैसे गिने गए। इसके बाद हुआ भाभी का बर्थडे सेलिब्रेट, तो यहाँ पर हम वीडियो बना रहे थे। इसके बाद मैं केक खिलाऊंगी, फिर कोई और वीडियो बनाएगा। तो यहाँ पर मतलब सब लोग बराबर ध्यान रखते, मेरी फ़ोटो सही है, मेरी फ़ोटो सही है, वीडियो सही बने, मतलब ये चीज़ है, बड़ा सपोर्ट हो रहा है। लेकिन आज का वीडियो बिल्कुल सबसे यूनिक आ रहा है, देखा एक जैसा। हाँ, देखा सच में, ये देखा, आपको ज़्यादा नहीं ले रहे। तो यहाँ पर इतना प्यार हो रहा है, और बाकी भाभी का बर्थडे इसलिए, तो पिछली वाली किटी का आज लास्ट है, और एक नई किटी आज से चालू हो जाएगी। ये देखिए, तो ये दीदी ने लगा दिया भाभी को, फेस गंदा कर दिया, बस बस। तो वही हम लोग, और इसके साथ साथ में आपको हो सकता है कहीं कहीं आप लोगों को मेरी, अब मेरी बारी आई, क्योंकि दूसरी भाभी को मैंने केक पकड़ा दिया, और सॉरी केक भी है, मोबाइल पकड़ा दिया, हम भी मतलब भूल जाते हैं केक खिलाने जा रहे थे। तो ये देखिए, तो मतलब बारिश में थोड़े से बाल चिपके चिपके से हो गए थे, गीले हो गए थे, अब करें क्या, मौसम के लिए तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये देखिए, अच्छा मैं साड़ी थोड़ा सी, साड़ी लाइट है, इसकी वजह से मैंने 20 से फोल्ड मतलब डबल वो कर दिया है, इसलिए थोड़ी सी उलझी सी साड़ी लग रही है, लेकिन साड़ी बहुत लाइट तो है, इसलिए मैं इसे कर रही हूँ। आज की जो किटी खुली हुई है वो दीदी की है, तो आज धनवर्षा दीदी को हुआ है। इसके बाद देखिए किसका होता है, ये देखिए ये दीदी को मिला हुआ है, जो किटी जो आज की है वो दीदी को मिली हुई है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर तो हमने एंजॉय कर दिया, इसके बाद ये देखिए तो सब फोटो वगैरह सब कुछ खींच गए, सब कुछ हो गया, देन हम लोग चलेंगे कहाँ, अभी तो हम लोगों के लिए पार्टी तो बाकी है, ये तो घर वाला एंजॉय हो गया है। और ये तो अभी हम लोग चलते हैं बाहर, लंच करने चलेंगे। ये देखिए हम लोग निकल गए, और यहाँ पर सब लोग दो तीन गाड़ियाँ गई थी, तो हम लोग ये देखिए, तो हम लोग इधर बैठे हुए थे। अच्छा गाड़ी में दरअसल ज़्यादा लोग थे, तो गर्म भी लग रही थी, एसी तो चल रहा था, लेकिन अब समझिए ज़्यादा ज़्यादा लोगों की वजह से समझ नहीं आता, ऐसा लग रहा था सफोकेशन टाइप का ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए हम लोग पहुँच गए अपने अड्डे पर। तो यहाँ पर ये देखिए, सबका थीम जो पिंक था वैसे यहाँ पर जो सजाया गया है, पिंक और वाइट थीम है सजा हुआ है। तो आज भाभी का बर्थडे तो सेलिब्रेट हम लोग घर में करके आए हुए थे। और इसके बाद तो यहाँ पर पता है आवाज़ म्यूट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अब इतने लोग हैं तो कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी कहता है, तो यहाँ पर हो जाता है कि आवाज़ म्यूट करना ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने आवाज़ म्यूट करी हुई है, और कहीं कहीं हल्की से मैंने रखा हुआ है। और तो यहाँ पर फिर हम लोग मस्त आराम से अभी बैठे हुए थे, सारा काम तो हम लोग घर से बर्थडे सेलिब्रेट और बाकी का सारे काम तो घर से करके आए हुए थे अभी इस समय। तो ये भाभी का बर्थडे है, तो ये देखिए कितना अच्छा डेकोर हुआ। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना, आप लोगों से आप तो रिक्वेस्ट किया, नहीं तो उसके लिए सॉरी। तो यार वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना। तो यहाँ पर बस जस्ट हमारा लंच आने वाला है, तो यहाँ पर हम लोग अपना जो स्टार्टर्स वगैरह सब कुछ ले लिया हुआ था, बस ये था कि चलो लंच का इंतजार करते हैं। तो लंच आना हमारा चालू हो गया है। तो यहाँ पर उतनी देर बैठे तो सबके मोबाइल चल रहे थे, कोई वीडियो बना रहा है, कोई फ़ोटो खींच रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, तो हमारा लंच आ चुका है। तो ये रहा हमारा लंच, तो चलिए हम सब लोग लंच इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर इस जो रेस्टोरेंट में हम लोग सेकेंड टाइम आए हुए हैं, तो यहाँ पर बड़ा सुकून, बहुत रिलीफ रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो बस हम लोग चलिए हम लोग लंच इंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है मिक्स वेज कढ़ाई पनीर है, और यहाँ पर दाल मखनी, और इसके बाद चलिए नान है। तो बस ये हमारा लंच है, रायता है, अचार है, सैलेड है, बाकी बस इतना ही है, और क्या है अभी जो बाकी जो मिस हो जाएगा वो बाद में देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर तो हम लोग अपना लंच पूरा फिनिश करने के बाद तो हो जाए, लास्ट में कुछ मीठा हो जाए, तो हम लोग यहाँ पर सब ने आइसक्रीम इंजॉय किया, सब ने आइसक्रीम खाने में लगे हुए थे, बातें करने में लगे हुए थे। तो वही चीज़ें ना, हम लोग अपने अपनी चर्चा करते हैं तो फिर लगता है फिर कोई
कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो आवाज़ म्यूट करना बनता ही बनता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने आइसक्रीम खाया। आइसक्रीम खाने के बाद में तो यार ये जो आप लोगों को किटी ब्लॉग लगा कैसा लगा, तो यहाँ पर बीच बीच में मुझे वीडियो शूट करवा रहे थे, तो फिर ये देखिए। तो हम लोग पहले आइसक्रीम ख़त्म कर लेंगे, ख़त्म करने के बाद चलेंगे घर फिर से वापस। तो आज की जो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट ज़रूर करना, और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो यहाँ पर आइसक्रीम खाने के बाद ये हुआ कि चलो यार अभी तो फोटो सेशन तो बनता ही बनता है, और जहाँ पर लेडीज़ हो और लेडी गैंग हो तो वहाँ पर फोटो सेशन ना हो तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर ये देखिए सब पिंक 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 और सबके चेहरे खिले हुए हैं। ये मैं कहाँ हूँ? अच्छा मैं तो वीडियो बना रही थी, सॉरी मैं ही तो वीडियो बना रही थी, मैं तो अपने आप को भूल ही गई। तो यार ये चीज़ तो होती होती है, जो ब्लॉगर होता है तो वो कभी कभार होता है वही मिस हो जाता है। सब कुछ तो आ जाता है लेकिन जो ब्लॉगिंग करता है वो खुद ही मिस हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए फिर बाद में जो वहाँ पर जो मतलब वर्कर्स थे जो, तो उन लोगों ने ये देखिए मैं आ गई थी, फिर मैं याद देख लीजिए मैं आ गई हूँ। इसके बाद फिर क्या हुआ, आई यहाँ पर फिर अब पेमेंट करने की बारी। तो यहाँ पर हम लोगों ने बिल मंगाया, तब तक अभी दीदी आइसक्रीम खा रही थी, कोई कोई खा रहा था, कोई कोई ख़त्म कर चुका था। तो यहाँ पर अभी हम लोग बैठे थे, निकले नहीं थे। इसके बाद दिन हम लोग निकलेंगे घर के लिए। तो यार फिर से मिलेंगे नई किटी में। आप सभी लोगों का भी स्वागत है इन्जॉय करने के लिए, वीडियो देखने के लिए, कमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर ये सब कुछ हो गया है, तो मैंने कहा चलो यार, तो आज मैंने ऐसी साड़ी बांधी हुई थी तो ये साड़ी मेरे ऊपर कैसी लग रही है तो कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए यार फिर अब चलते हैं, सब लोग निकलते हैं घर के लिए। तो मैंने कहा यार अपने थोड़ा सा मैं भी तो बना लूँ। तो यहाँ पर बगल में भाभी बैठी हुई हैं। तो चलो यार फिर हम लोग वापस आ गए। वापस आने के बाद फिर थोड़ा सा दीदी के पास बैठेंगे, बहुत देर हो गई थी, तो बातें वातें करने के बाद फिर निकलेंगे। तो चलिए तो अभी तो फिर घर पहुँचते हैं। घर का मतलब यहाँ मैं अपने घर नहीं आ रही, अभी मैं दीदी पास जा रही थी। तो यहाँ पर एक गाड़ी में हम लोग दूसरी गाड़ी में, ये देखो दीदी मीनाक्षी दी गाड़ी चला रही, बाकी सब लोग अपना लेडी गैंग ये देखे मस्ती चल रही, ये दीदी गाड़ी चला रही हैं, बाकी सबकी मस्ती चल रही है। तो यार ऐसा है हमारे सभी लोग किटी मेम्बर्स बहुत प्यारे, बड़े क्यूट हैं, बड़े मस्ती हो रहे हैं। तो आप लोग भी कमेंट करिएगा, आप लोग भी किटी ज्वाइन करिए और इन्जॉय करिए, लाइफ को फुल ऑन इन्जॉय करिए। तो यहाँ पर हम लोग वापस आकर के बस अब ये था कि घर के लिए निकलेंगे। तो थोड़ी सा अपना सभी लोग घर के ही बचे हुए हैं, तो बस आपस में थोड़ा सा बातें वातें करने के बाद फिर बस ये था कि घर के लिए निकलना है। तो चलिए तो यहाँ पर फिर हम मेरा जो ब्लॉग है वो फिर एंड हो जाएगा, फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में। तो एक बारी मैंने कहा चलो यार सब लोगों को दिखा दूं, और कुछ लोगों की जो है जो किटी में नहीं रहेंगे, दो तीन चार लोग हैं क्योंकि वो पिछली किटी में थे, इस किटी को नहीं ज्वाइन किया हुआ है इसलिए। तो चलो यार अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट, फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में।